खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। आगरमालवा के सोयत में पुलिस मुख्यालय एवं जिला महानिरीक्षक महोदय जोन उज्जैन एवं पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय उज्जैन जोन उज्जैन के निर्देश अनुसार अवैध मादक पदार्थ और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध आगरमालवा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में सूचना प्राप्त होने पर जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर आगरमालवा निर्देशन एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया एसडीओपी नाहर सिंह रावत सुसनेर के मार्गदर्शन पर सोयर टीआई हरीश जयजूरकर नेतृत्व में और पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर कंठाल नदी पुलिया के पास सोयत कला पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय गिरोह के एक गांजा तस्कर को 8 क्विंटल 80 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1,57,00,000 रुपए बताई गई है। मामले में आरोपी विष्णु प्रसाद पिता किशन दांगी निवासी खिरजरपुर जिला झालावाड़ राजस्थान को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजे को ट्रक में रखकर विशाखापट्टनम से कोटा की ओर जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार में ले लिया है। वहीं आरोपी के ऊपर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर उससे पूछताछ की जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई और एक पूरा चूंकि पूरा मामला स्पेशल जो न्यायालय हमारा साजापुर है उसमें ट्रायल में चलेगा, तो ये पूरी संपूर्ण कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में ही की गई। सर, इसके फुटेज आगरमालवा से सोनू खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।